Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Aftab Homeotics. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में. ये ओल्ड एज के लिए जो लोग 40 से 60 साल की उम्र में फॉल करते हैं उनमें बहुत कॉमन बीमारी मानी जाती है. इसके क्या काजेज हैं और इनका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, तो देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. चलें दोस्तों शुरू करते हैं. इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन पर भी क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सकें. तो दोस्तों शुरू करते हैं. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में. फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? जो आपका शोल्डर जॉइंट है इसके अंदर आपके जो गैप है समटाइम्स वो कम हो जाता है मोस्टली वजूहत की बिना पे, तो जिसकी वजह से शोल्डर प्रॉपर मूव नहीं कर सकता या एक हद से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता या पूरी तरह बैक से ऐसे इस तरह उसकी मूवमेंट में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स पेशेंट को स्टिफनेस फील होती है, पेन फील होती है और कोई भी भारी चीज़ वो नहीं उठा सकता और रोज़मर्रा के कामों में भी उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है. ये सिचुएशन दोस्तों ग्रेजुअली डिवेल्प होती है ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ टू 9 मंथ. ये सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता रेज होती है और फिर ये सीवियर कंडीशन इख्तियार कर जाती है. जो हमारा शोल्डर जॉइंट है वो एक जोव की तरह बना हुआ है, जिसमें ऐसे इसको आप कंसिडर कर लें कि ये आपका शोल्डर है और ये उसके अंदर जो आपकी आर्म बोन है ये उसके अंदर ऐसे मूव करती है. इसके अंदर लिगामेंट्स होते हैं, टेंडोंस होते हैं और पट्ठों के साथ ये जुड़ा हुआ होता है जो कि आपकी बॉडी को शोल्डर के जॉइंट को मूव करने में मदद देता है. तो ये गैप इसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं, जो इसके अंदर रेशा होता है, जो इसके अंदर लचक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है. इसकी वजह अगर आप किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है और वह एक अरसा तक एक ख़ास पोजिशन में रहता है और उसके बाद उसका जो है वो अगर आपके बाजू की सर्जरी हुई है और आपका बाजू मूव नहीं कर रहा 6-8 महीने तक, तो ये सिचुएशन पैदा हो सकती है. इसके अलावा अगर कोई पेशेंट, कोई बंदा है जिसने हैवी वेट उठाया हो या सोफा उठाते हुए या घर में कोई सामान वगैरह उठाते हुए, तो वो ये जो शोल्डर पेन में अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है या वो हड्डी अपनी जगह से थोड़ा सा सरक जाता है, जिसकी वजह से पट्ठों में स्वेलिंग हो जाती है. जो पट्ठों के जोड़ होते हैं उनमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है और इन्फ्लेमेशन का एहसास होता है, जलन होती है, दर्द होता है और मूवमेंट करने में मुश्किल पेश आती है. तो इस सूरत में ऐसी कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है दोस्तों. तो अब बात करते हैं कि इसकी काजेज क्या क्या हैं. काजेज इसमें मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस ख्वातीन में ख़ास तौर पर मेनोपॉज स्टेज के ऊपर कंधों का दर्द पाया जाता है. इसी तरह जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको भी फ्रोजन शोल्डर के होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं. हाइपोथायराइडिज्म जिनके लोगों में ज़्यादा है, जिन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म का मर्ज है उनके उनमें भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसके अलावा कोई हैवी चीज़ उठाने से, दब लग जाने से या आपके अचानक गिरने से, जैसे अगर आप कहीं गिरते हैं तो ये आपका सारा वजन एक बाजू पर पड़ने से भी ये फ्रोजन शोल्डर का मर्ज पैदा हो सकता है. तो दोस्तों ये उस वक्त तो वक्ती तौर पे शायद रिलीफ हो जाए, लेकिन विद एज जब आप 40 इयर्स की एज क्रॉस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेन दोबारा से आना शुरू होता है और फिर हर साल सर्दियों के मौसम में मोस्टली ये पेन बढ़ जाता है. और उस वक्त या जब पेशेंट सुबह उठता है उस वक्त उसके नेक पे और शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, जकड़ाव होता है, तनाव होता है और वो अब बहुत ही तकलीफ़ महसूस करता है. उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ी बहुत हरकत करना शुरू करता है, चलना फिरना शुरू करता है या आहिस्ता से बाजू को मूव करता है तो उसकी पेन में कमी आना शुरू हो जाती है. लेकिन जब वो काफ़ी देर तक लंबे अरसे तक एक जगह पे लेटा रहता है तो या रात को सोने में या दिन में भी रेस्ट करने पे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है. दोस्तों अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है. तो दोस्तों होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा तरीका इलाज है, लेकिन ये एक प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है
इसलिए इसमें जल्दबाजी में काम नहीं लिया जा सकता विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इस एज में 40 से 60 के दरमियान कम होना शुरू हो जाती है, तो उसको बेहतर करने के लिए आपको ओवरऑल सिम्टम्स को देखना पड़ता है और उनमें बेहतरी लाते हुए ही इस मसले को भी हल किया जाता है। तो दोस्तों इसमें होम्योपैथिक में 5-6 बड़ी मेडिसन हैं जो फ्रोजन शोल्डर के लिए यूज़ होती हैं। इनके नाम है रस्टॉक्स, रूटा, सेंगुनेरिया, ब्रायोनिया, फेरमेट और थायोसिनामिनम। तो दोस्तों बारी बारी इन मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों फेरमेट। फेरमेट फ्रोजन शोल्डर की एक बहुत ही टॉप ग्रेडेड मेडिसिन मानी जाती है। जिन लोगों में जलन का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, जब वो किसी चीज़ पे जोर लगाने लगते हैं या उठाने लगते हैं तो उनको शदीद दर्द का एहसास होता है, तो उस सूरत में फेरमेट बहुत ही कारामद दवाई मानी जाती है। दोस्तों इसमें आपके जो जोड़ हैं शोल्डर के, उनके अंदर चिकनाई की मिकदार कम हो जाती है, रोगन की मिकदार जिस समय कम हो जाती है, तो उस सूरत में और पेशेंट को अपने हड्डी के अंदर यानी कि मसल्स के बजाय उसको हड्डी के अंदर दर्द का एहसास होता है, उस सूरत में फेरमेट बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसकी अलामत सर्दियों में बढ़ जाती है। जब भी बरसात का मौसम आता है या सर्दियों का मौसम आता है तो ऐसे पेशेंट्स में तकालीफ बढ़ जाती हैं, तो उस सूरत में फेरमेट बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई मानी जाती है। इसका रेगुलर इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिस्म के तमाम जोड़ों के लिए, जिधर चिकनाई की मकदार कम हो जाती है, जिस्म में खुश्की का एहसास होता है और पेशेंट को अपना मुंह से लेके नीचे तक का सारा हिस्सा खुश्क महसूस होता है। ब्रायोनिया की एक ख़ास अलामत ये भी है कि पेशेंट को सुबह उठ के शदीद प्यास का एहसास होता है और वो बड़े बड़े गिलास भर के पानी पीता है, और पेशेंट को रेस्ट करने से, लेटने से, आराम करने से तकलीफ़ में कमी वाकया होती है, उसको शोल्डर पेन उसकी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसको मूव करना चाहता है या उठता है या उसको आस्ता आस्ता हरकत करने की कोशिश करता है तो उसकी ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो दोस्तों ब्रायोनिया में हरकत करने से तकलीफ़ बढ़ जाती है और रेस्ट करने से कम हो जाती है, तो ये ब्रायोनिया की ख़ास अलामत है। ब्रायोनिया में अगर आपको फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है तो दोस्तों उसमें ब्रायोनिया बहुत ही टॉप ग्रेडेड मेडिसिन मानी जाएगी, और ये आपके लिए फ्रोजन शोल्डर के लिए और जिस्म के तमाम जोड़ों के लिए जहाँ खुश्की का एहसास होने की वजह से सूजन, स्वेलिंग और पेन हो, वहाँ पे ब्रायोनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मानी जाती है। इसके साथ साथ जो पिंडलियां हैं और मसल स्ट्रेनिंग है, ख़ासतौर पर ये मस्कुलर पेन की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिस्म के किसी भी हिस्से में खिंचाव, तनाव या टांगों में दर्द, बाजुओं में दर्द और या शोल्डर में दर्द का एहसास हो तो उस सूरत में ब्रायोनिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी फ्रोजन शोल्डर की एक बहुत ही टॉप ग्रेडेड मेडिसिन मानी जाती है। रस्टॉक्स के पेशेंट को शोल्डर्स के दरमियान यानी जो शोल्डर्स ब्लेड्स के दरमियान में जो जोड़ है आपका, वहाँ पे बहुत ही दर्द का एहसास होता है और उसको शोल्डर की मूवमेंट करने में भी दिक्कत महसूस होती है। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे ये बहुत ही कारामद दवाई मानी जाती है। रस्टॉक्स की एक ख़ास अलामत दोस्तों ये है, जैसे ब्रायोनिया के में मैंने बताया उसमें, और इसमें फ़र्क यह है कि ये ब्रायोनिया के उलट अलामात हैं कि इसमें चलने से, हरकत करने से तकालीफ में कमी आती है, जबकि रेस्ट करने से और ज़्यादा देर तक लेटे रहने से इसमें दर्द बढ़ जाता है। जो लोग रस्टॉक्स के पेशेंट में अमूमन सुबह उठने पे नेक में, शोल्डर ब्लेड्स पे और ये शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट्स में शदीद स्टिफनेस का एहसास होता है, बाजू हरकत करना मुश्किल हो जाता है और उसके साथ साथ पेशेंट शदीद तकलीफ में मुबतला रहता है, उसके मसल में स्टिफनेस, खिंचाव और उसको ठंड लगने से उसकी अलामत बढ़ जाती हैं, तो ये भी दोस्तों एक सर्दियों के मौसम में तकलीफ के बढ़ जाने की एक बहुत ही इफ़ेक्टिव
होम्योपैथिक मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के। सेंगुनेरिया, सेंगुनेरिया दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है राइट साइड के शोल्डर्स के लिए। अगर आपको राइट साइड फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, आपका बाजू अच्छे से मूव नहीं कर रहा और आप एक एंगल से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, या ऊपरी जगहों से आप शेल्फ से या अलमारियों के ऊपर से चीज़ें उतारना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि मेनोपॉज स्टेज में हैं, उनकी उनमें कंधों की दर्द की एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन सेंगुनेरिया है दोस्तों, और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप इस तकलीफ से बआसानी निकल सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रूटा। रूटा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये खास तौर पे इसका दर्द पट्ठों में पाया जाता है, जबकि सेंगुनेरिया का दर्द हड्डी में पाया जाता है। रूटा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों फ्रोजन शोल्डर की। इसमें जो पेशेंट को कपड़े तब्दील करते हुए या ऊपर की तरफ हाथ उठाते हुए बहुत ही दिक्कत का एहसास होता है, और ये फ्रोजन शोल्डर की टॉप मेडिसिन में से एक है। तो जब भी आप फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को देखते हैं, तो उसमें हम खसूसन रस्टॉक्स और उसके साथ रूटा ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इससे हर किस्म की तकलीफ दर्द का एहसास आस्ते आस्ते ख़त्म होता है। ख़ास तौर पे रूटा की एक खास अलामत ये है कि ये हड़े जो आपका कंधे का जोड़ है उसके अंदर सॉल्ट डिपॉजिट जो कि आर्थराइटिस या रिमेटिज्म की वजह से पैदा होता है, उसको ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। और जो फैट डिपॉजिट्स या सॉल्ट डिपॉजिट्स अंदर पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से जिस्म में कटियाबाद या आर्थराइटिस का मर्ज लाहक होता है, उसको ठीक करने के लिए भी एक बहुत ही बुनियादी दवाई मानी जाती है। तो दोस्तों आखिरी दवाई है इसमें थायोसिनोमिनम। थायोसिनोमिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के लिए। ये खासकर जिस्म में बड़े हुए गदूद, एनलार्ज ग्लैंड्स, फिब्रॉइड्स और ट्यूमर के इलाज के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव दवाई मानी जाती है। ये शोल्डर जॉइंट्स में स्कार टिश्यूज जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको डिजॉल्व करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई मानी जाती है दोस्तों। तो इसका मुसलसल इस्तेमाल करने से हम इस मुसीबत परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके साथ साथ आखिर में मैं एक कम्बिनेशन बताना चाहूँगा विल्मार शुआबे कंपनी का, PTK 73। दोस्तों जिन लोगों के समय फ्रोजन शोल्डर का मसला है या नी जॉइंट्स का मसला है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है या स्टिफनेस का एहसास है, तो जिसमें में लचक कम हो गई है, खिंचाव तनाव कम हो गया है, तनाव बढ़ गया है, कोई भी चीज़ उठाना में मुश्किल होती है, जिसमें में जोड़ों पे स्वेलिंग का एहसास है या उनके अंदर हड्डी में दर्द पाया जाता है, तो उसके लिए दोस्तों PTK 73 विल्मार शुआबे जर्मनी की, इसकी मैं तस्वीर साइड पे लगा दूंगा, आपको देखने में आसानी होगी। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दूसरी दवाओं के साथ। बाकी दवाएं आप अपनी अलामत के मुताबिक लेंगे, उनके साथ ये दवाई अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो बहुत जल्द आप इस परेशानी से निजात हासिल कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इसके साथ साथ आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो ये है कि आपने ये फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए इसका इलाज बहुत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ किया जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होता है और आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होता है। इसका इलाज 6 से 9 माह तक जारी रहेगा, और इसके साथ साथ आपने अपने बाजू की एक्सरसाइजेस करनी है डेली। आप जिधर तक अपना बाजू लिफ्ट कर सकते हैं उधर तक, उससे ज़्यादा आप 15 सेकंड 20 सेकंड तक उस स्टेज पर रखें और फिर नीचे ले आएँ, फिर ऊपर लेके जाएँ और फिर नीचे ले आएँ। इस तरह आप अपनी बॉडी के इन पार्ट्स को जो कि इनएक्टिविटी की वजह से कमज़ोर हो गए हैं या आपका इंटरनल इम्यून सिस्टम की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, उनको दोबारा बहाल करने के लिए उनकी एक्सरसाइज आप करेंगे तो ही वो दोबारा से स्ट्रांग हो जाएगा और अपनी असल हालत में वापस आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपने डेली ऐसे आप अपने बाजुओं को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें जितना आप ले जा सकते हैं,
जिस हद तक लेके जा सकते हैं उसको थोड़ी देर वहां पे स्टे रखें और उसके बाद आहिस्ता से नीचे ले आए। इसी तरह आगे की तरफ ऊपर मूव करें और फिर नीचे ले आए। ये एक्सरसाइज आपने डेली 10 से 15 मिनट तक करनी है। तकरीबन 15 सेकंड का स्टे करेंगे और फिर आपने ये सेट करने हैं 10 से 15 रेपिटेशंस के, तो उससे आपका ये मसला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आना शुरू होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रोजन शोल्डर के बारे में, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी बाकी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई कमेंट्स हो तो नीचे बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और आप मुझसे मजीद क्या पूछना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।